Hello everyone, my name is Sapna Goyal and my channel is Sapna Goyal 1985. इस वीडियो के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी लेसन 3 ऑफ NCERT बुक दैट इज वाटर रिसोर्सेज. इस चैप्टर के लिए मैंने तीन वीडियोस ऐड की हैं और दिस इज द फर्स्ट वीडियो. डियर चिल्ड्रन, वीडियो की क्लैरिटी के लिए वीडियो के नीचे बना हुआ सेटिंग्स का आइकन है, उस पर क्लिक करें. उसके बाद उसमें क्वालिटी पे क्लिक करें एंड देन 720 HD पे क्लिक करें. वीडियो एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर देखें. स्टूडेंट्स, क्या आप ये जानते हैं कि जब 122 देशों की स्टडी की गई तो पता चला इंडिया का रैंक था 120 इन टर्म्स ऑफ इट्स वाटर क्वालिटी. यानी कि हमारे देश में पानी की क्वालिटी बहुत खराब है. एंड जब 180 नेशंस की स्टडी की गई तो हमारा रैंक था 133 इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. यानी कि हमारे देश में पानी की बहुत कमी पाई जाती है. क्या आपको पता है कि गंगा रिवर, जिसको हम इतना पूछते हैं, ये वर्ल्ड की 5th मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है. क्या आप जानते हैं हमारे कंट्री में ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर स्केर्सिटी का प्रॉब्लम रहता है. क्या आपको पता है हमारी अर्थ का 3/4 सरफेस यानी कि 70% एरिया पानी से कवर्ड है और सिर्फ 30% एरिया पे लैंड है. चिल्ड्रन, हमारे अर्थ का 70% एरिया वाटर से कवर्ड है और उस 70% वाटर में से 96.5% पानी नमकीन है, 2.5% वाटर फ्रेश वाटर है और सिर्फ 1% वाटर जो है वो वाटर वेपर की फॉर्म में होता है. और ये जो फ्रेश वाटर है इसका भी 69% पार्ट अप्रॉक्सीमेटली आइस शीट्स या ग्लेशियर्स की फॉर्म में है. अप्रॉक्सीमेटली 30% वाटर ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है और सिर्फ 1% पानी है जो लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स या दूसरे सोर्सेज में पाया जाता है. जो फ्रेश वाटर है जो हमें डायरेक्टली अवेलेबल है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए. सो हमारे पास पीने के लिए बहुत ही थोड़ा सा पानी है, भले ही अर्थ पानी से कवर्ड है. डियर चिल्ड्रन, फ्रेश वाटर हमें मिलता है रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर या बारिश के पानी से. एज पर NCERT बुक, सरफेस रन ऑफ भी एक सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है, बट एज पर मी ऐसा नहीं है. सरफेस रन ऑफ यानी कि वो पानी जो अंडरग्राउंड सीप नहीं करता, रादर सरफेस के ऊपर बहता है, क्योंकि कई बार बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि मिट्टी और ज़्यादा पानी सोक नहीं कर पाती तो पानी ऊपर बहता है. कई बार हमने जो हमारा जो लैंड है वो कंक्रीट से कवर्ड होता है, इसलिए भी पानी नीचे नहीं जा पाता. तो ये इमेजेस में आप सरफेस रन ऑफ को देख सकते हैं. तो ये जो पानी आज सरफेस के ऊपर बहता है इसके अंदर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, डेब्री, मिट्टी, कंकड़ बहुत कुछ मिक्स हो जाता है. तो इट कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. क्या आपको ये पता है कि ये प्रिडिक्ट किया गया है कि इंडिया में 2025 तक पानी की बहुत जबरदस्त कमी होने वाली है. OMG, एक टैंकर पे इतने सारे पाइप्स, ये प्रॉब्लम इंडिया में बहुत जगह देखी जा सकती है जहां पे भी पानी का एक्यूट शॉर्टेज रहता है. नाउ, पानी की कमी के बहुत सारे कारण हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव कॉजेज ऑफ वाटर स्केर्सिटी. क्वांटिटेटिव कॉजेज यानी वो कॉजेज जो पानी के अमाउंट से रिलेटेड हैं. सो पहला कॉज है ओवर पॉपुलेशन. जरूरत से ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से ज्यादा पानी की जरूरत है डोमेस्टिक यूज के लिए, यानी कि कपड़े धोने हैं, पानी पीना है, ग्राउंड धोना है, बहुत सारी चीजें हैं. उसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए फील्ड्स को इरिगेट करना पड़ता है, उसमें भी पानी की जरूरत है. और फिर बहुत सारे लोगों ने ट्यूब वेल्स लगा रखे हैं और वो ग्राउंड वाटर को जरूरत से ज्यादा निकाल लेते हैं. फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसी भी इंडस्ट्री में बहुत सारा पानी की जरूरत होती है बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए, लाइक कूलिंग, वॉशिंग, डाइंग एक्सेट्रा. अर्बनाइजेशन इज द नेक्स्ट कॉज. अर्बनाइजेशन का मतलब है जब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट करते हैं, यानी कि गांव से शहरों की तरफ जाते हैं. और शहरों में आपने देखा होगा सोसाइटीज में लोगों ने अपने पंपिंग डिवाइसेस लगा रखे होते हैं, वो भी ग्राउंड वाटर को ओवरड्रॉ करते हैं. उसके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा नीड्स हैं जो सिर्फ शहरों में होती हैं, लाइक कभी आपको अपनी कार धोनी है, कभी आपको अपना बालकनी धोनी है और कभी सड़कें धोनी हैं. सो बहुत सारे कॉजेज हैं.
एंड नेक्स्ट है वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, यानी कि अगर बारिश ही नहीं होगी तो ऑफकोर्स पानी की कमी तो होगी ही. हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मौसी नरम और जैसलमेर का. मौसी नरम है मेघालय में एंड इट इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होती है. और जैसलमेर वहां पे बारिश बहुत कम है सो वहां पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है. Now let's see qualitative causes of water scarcity. Qualitative causes यानी पानी available तो है मगर उसकी quality अच्छी नहीं है. तो पानी की quality खराब कैसे होती है? वो होती है pollution से. और पानी में pollution जाता कैसे है? Domestic waste या industrial waste या sewage waste को अगर नदियों में डाल दिया जाए तो पानी बहुत गंदा हो जाता है. उसके अलावा जो agricultural fields में pesticides, fertilizers का use होता है वो भी पानी के साथ gradually seep down करके underground water को गंदा कर देते हैं. इमेजेस में भी दिख रहा है पानी इंडिया में बहुत जगह पे बहुत ज्यादा गंदा है. थैंक यू सो मच. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स.